हेलो एवरीवन मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम या बोला जाए तो फीचर्स ऑफ एम तो नेक्स्ट आप देखते हैं कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स होते हैं एम के फर्स्ट है सिस्टम अप्रोच सेकेंड है मैनेजमेंट ओरिएंटेड थर्ड है नीड बेस्ड फोर्थ है एक्सेप्शन बेस्ड फिफ्थ है फ्यूचर ओरिएटेड सिक्स है इंटीग्रेटेड है लॉन्ग टर्म प्लानिंग एट्थ है सब सिस्टम कॉन्सेप्ट और नाइन्थ है सेंट्रल डेटाबेस इनको डिटेल में देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में आप एम आई एस से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियो देख सकते हैं वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं तो हम बेसिकली एक बार देखते हैं कि एम क्या होता है और फिर हम सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटेल में देखेंगे एम मतलब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसमें आप प्लान करते हैं ऑर्गेनाइज करते हैं सिस्टमेटिकली तरीके से कलेक्ट करते हैं एक्यूरेट प्रिसाइज और टाइमली इंफॉर्मेशन को मतलब आप सही इंफॉर्मेशन को सही टाइम पे सही तरीके से कलेक्ट करते हैं ताकि आप उसको प्रॉपरली प्रोसेस कर सके सप्लाई कर सके जिस भी पर्सन को उसकी रिक्वायरमेंट है इसका पर्पस होता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव किया जा सके नेक्स्ट हमने जो करेक्टरिस्टिक्स देखे थे उनको हम डिटेल में देखते हैं फर्स्ट आता है सिस्टम अप्रोच जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम होता वो है वो सिस्टम अप्रोच को फॉलो करता है सिस्टम अप्रोच होलिस्टिक अप्रोच को बताते हैं कि हम सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं हम किसी ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहे हैं उसके लिए सारी चीज़ें परफॉर्म कर रहे हैं उसको देखते हो हम पूरे सिस्टम को डेवलप करते हैं और सिस्टम के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं इसलिए इसको इन्फॉर्मेशन सिस्टम है तो इसको सिस्टम अप्रोच बोला जाता है नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट ओरिएंटेड ये टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करता है एम का जो डिज़ाइन होता है तो जो टॉप डाउन अप्रोच होता है ये सजेस्ट करता है कि जो सिस्टम डेवलपमेंट स्टार्ट होता है कि कैसे हम डिटरमाइन करते हैं मैनेजमेंट की क्या नीड है और फिर ओवरऑल बिजनेस का क्या ऑब्जेक्टिव है तो एम डेवलपमेंट प्लान को बताता है और फिर उससे पूरे बिजनेस के ओवरऑल प्लान्स चलते हैं मैनेजमेंट का करेक्टरिस्टिक्स होता है कि आप मैनेजमेंट को एक्टिवली तरीके से कैसे डायरेक्ट करेंगे कैसे सिस्टम को डेवलप करेंगे तो ये पूरा मैनेजमेंट के लिए काम करता है इसका नाम ही मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है आप सारी चीजों को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सके डेवलप कर सके इंफॉर्मेशन को प्रॉपर तरीके से रख सके इसलिए वो मैनेजमेंट ओरिएंटेड बोला जाता है नेक्स्ट आता है नीड बेस्ड जो एम आई एस है वो इस तरीके से डिजाइन और डेवलप किया जाता है कि उसमें मैनेजर को जब भी नीड हो उसमें इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो ये डिफरेंट लेवल के अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का क्या लेवल है मैनेजमेंट के कंट्रोल लेवल के अकॉर्डिंग ऑपरेशन के कंट्रोल लेवल के अकॉर्डिंग आप इसका यूज़ कर सकते हैं। में में बोला तो, की, की में है। होता, होता है। है, जाता है, की की minimum, है, 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 है। जो भी मैनेजर की की स्पेसिफिक नीड ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग उसको फुलफिल करने हेल्प करता उसके डिजाइन होता होता डेवलप नेक्स्ट आता एक्सेप्शन बेस्ड, क्या मैक्सिमम और क्या मिनिमम हैं टॉलरेंस लिमिट है मतलब आप इन्फॉर्मेशन से देख सकते हैं कि किस सिचुएशन में आप कितना टॉलरेट कर सकते हैं कितना परसेंट टॉलरेट कर सकते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेगी कि आप कितनी रिस्क को ले सकते हैं तो ये एक्सेप्शन बेस्ड आपको डिसीजन लेने में हेल्प करती है डिफरेंट रिपोर्टिंग के लेवल के अकॉर्डिंग नेक्स्ट आता है फ्यूचर ओरियंटेड एक्सेप्शनल बेस्ड रिपोर्टिंग एम सिर्फ आपको पास्ट और हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन को ही नहीं प्रोवाइड करता है बल्कि आप इसके बेसिस पे प्रोजेक्शन बेस्ड कर सकते क्या एक्शन आपको लेने क्या इनिशिएटिव्स आपको लेने हैं, आप फ्यूचर को देखते हुए डिसीजन ले सकते हैं आप पास्ट के डेटा का तो यूज करते हैं इन्फॉर्मेशन का तो यूज करते हैं पर आप फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्शन करते हैं फ्यूचर के डिसीजन को लेते हैं नेक्स्ट आता है इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड नेसेसरी होता है एमआईएस का इंटीग्रेशन में आप सारी चीजों को एक साथ लेके चलते हैं इसमें एबिलिटी होती है कि आप मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को डेवलप कर सकें फॉर एग्जांपल आप एक इफेक्टिव प्रोडक्शन शेड्यूलिंग के सिस्टम को डेवलप करें आपको इंपॉर्टेंट होता है कि आप बैलेंस बनाए डिफरेंट फैक्टर्स के बीच में कॉस्ट का कैसा सेटअप होगा वर्क फोर्स के बीच में ओवर टाइम रेट्स क्या होंगे प्रोडक्शन की कितनी कैपेसिटी होगी इन्वेंट्री का क्या लेवल होगा कितनी कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी कस्टमर की सर्विसेज इन सब को देखते हुए आप प्रॉपर तरीके से प्रोडक्शन शेड्यूलिंग के सिस्टम को बनाते हैं नेक्स्ट आता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग जब भी एम को डेवलप किया जाता है तो उसमें बहुत लंबा टाइम लगता है इस सिस्टम को हम ओवरनाइट डेवलप नहीं कर सकते इसमें बहुत सारे हैवी एलिमेंट प्लानिंग की जरूरत होती है एम को डिजाइन किया जाता है कि आप फ्यूचर के ऑब्जेक्टिव को देख सके कंपनी की क्या नीड है उसको देखते हो कि आप लॉन्ग टर्म को सोचते हुए एम का यूज़ करते हैं कि आप उसमें प्रॉपर तरीके से अपने सिस्टम को डेवलप किया आपकी कंपनी में कि हर इम्प्लॉयज उसके सेल्स के रिकॉर्ड को अपडेट करें हर डे बेसिस पे तो आप नहीं क्या क्या उस सिस्टम को बनाने में बहुत सारी प्लानिंग की होगी कि आपको उस सिस्टम में क्या क्या डालना है किस टाइम पे सेल्स हुई है किस प्रोडक्ट की हुई है किस एम्प्लॉयज ने की है वो कैसे यूज करेंगे फिर आप उसको क्रॉस चेक कैसे करेंगे कि उन्होंने सही इंफॉर्मेशन फिल की है तो उस पूरी इन्फॉर्मेशन को देखने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है और उससे पर डे की सेल्स है कंपनी की सेल्स होगी फिर मंथ की सेल्स ईयरली सेल्स तो इस तरीके से वो पूरा सिस्टम सारे डेटा को रखता है नेक्स्ट आता है सब सिस्टम कॉन्सेप्ट जो एम डेवलप किया जाता है इसकी जो प्रोसेस होती है बहुत कॉम्प्लेक्स होती है आप उसको फ्रिक्वेंटली नहीं कर सकते और आपको लगता है कि आप इसमें इन्फॉर्मेशन को खो भी सकते हैं तो सिस्टम को जरूरत होती है कि सिर्फ वो सिंगल सिस्टम या सिंगल एंटाइटी पे ही पूरी तरीके से डिपेंड ना हो तो वो क्या करते हैं कि जो सिस्टम रहता है उसको सब सिस्टम्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि ये सब सिस्टम्स की भी अच्छी तरीके से प्लानिंग हो सके मीनिंगफुल तरीके से हर चीज का रिजल्ट्स निकल सके जैसे हमने देखा सेल्स का रिकॉर्ड तो आपने क्या किया परसन के अकॉर्डिंग उस सिस्टम को डेवलप किया फिर कंपनी के अकॉर्डिंग जिसमें कि डेली भी सेल्स रिकॉर्ड होगी एम्प्लॉयज की कितने एम्प्लॉयज ने कौन से प्रोडक्ट की सेल्स से आपको उसमें प्रोडक्ट वाइज भी डेटा मिल जाएगा एम्प्लॉय वाइज भी डेटा मिल जाएगा मंथली ईयरली तो यह क्या हुआ कि आपने पूरे सिस्टम को सब सिस्टम्स में डिवाइड कर दिया एम्प्लॉयज़ के अकॉर्डिंग बिजनेस के अकॉर्डिंग तो ये इम्पोर्टेंट होता है ताकि आप इजीली इंफॉर्मेशन को देख सकें और आपके लिए डिफिकल्ट भी ना हो कॉम्प्लेक्स भी ना हो नेक्स्ट आता है सेंट्रल डेटाबेस सेंट्रल डेटाबेस फंक्शनल सिस्टम को बताता है कि आप किस तरीके से फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं तो हर सिस्टम को रिक्वायर्ड होता है कि जो मास्टर फाइल होती है उसके पास सारा एक्सेस होता है वो सारे डेटा को रखती है जिसके अंदर कवर होता है इन्वेंट्री पर्सोनल्स वेंडर कस्टमर मतलब सारे लोग के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी तो ये लॉजिकली तरीके से डेटा को गैदर करती है उसको वैलिडेट करती है कि वो सही डेटा है सही प्लेस पे स्टोर किया जाता है उसको और सब सिस्टम के थ्रू आप उसको एक्सेस कर सकते हैं उसको देख सकते हैं तो आप सेंट्रल डेटाबेस को यूज करते हैं जिसमें कि सारी इंफॉर्मेशन आपको या सब स्टोर होके प्रॉपर तरीके से सही प्लेस पे आपको मिल जाता है तो आप उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एम के वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं थैंक यू